बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मैक्सवेल ने शानदार पारी अफगानिस्तान के खिलाफ खेली और ऑस्ट्रेलिया को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही मैक्सवेल ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। सारे रिकॉर्ड आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैक्सवेल की पारी को लेकर जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि शायद ओडीआई इतिहास की सबसे शानदार पारी में से एक रही, क्या आप भी इसको मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब आते हैं उस पारी के दौरान जहां 91 रनों पर 7 विकेट गिर जाते हैं अफगानिस्तान टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन वहां से 200 रन बनाना और टीम को जिता देना एक तरीके से ऐतिहासिक पारी रही है। और इस पारी के दौरान मैक्सवेल ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। एक एक करके आपको सारे रिकॉर्ड इस वीडियो में आपको बताते हैं। ओडीआई में सबसे बड़ा स्कोर मैक्सवेल ने जिस तरीके से विदाउट एज ए ओपनर, अगर आप किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा टोटल अगर आप देखें तो मैक्सवेल के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। 201 रन उनके नाम है। इसके पहले ये नाम था कोवेंट्री के, रिचर्ड्स के और फिर डुप्लेसिस के नाम भी था जिन्होंने 185 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो नंबर 6 या उससे नीचे सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी यहां पर मैक्सवेल के नाम दर्ज हो चुका है। मैक्सवेल ने 201 रनों की पारी खेली और इससे पहले ये रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था जिन्होंने 175 रनों की पारी 1983 की वर्ल्ड कप में खेली थी। इसके बाद अगर आप देखें तो 7वें विकेट या उससे नीचे सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी यहां पर मैक्सवेल के नाम दर्ज हो चुका है। मैक्सवेल और कमिंस के बीच 202 रनों की नॉट आउट की पार्टनरशिप रही। इससे पहले ये रिकॉर्ड बटलर और राशिद के नाम था जिन्होंने 177 रन की पार्टनरशिप की थी। आशिफ और मेहदी के नाम भी ये रिकॉर्ड था 174 रनों की। और फिर ब्रेसवेल और के नाम भी ये रिकॉर्ड था जहां पर उन्होंने 162 रनों की पार्टनरशिप खेली थी। इसके अगर आप नीचे आए तो फिर अगर आप देखेंगे वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी यहां पर अगर आप देखें तो फिर ये इसमें भी मैक्सवेल का नाम शामिल हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज गुप्टिल हैं जिन्होंने 237 रन बनाए थे। इसके अलावा गेल के नाम भी 215 रनों का था। बाकी अब मैक्सवेल भी आ चुके हैं 201 रनों की पारी के साथ ही। और आगे अगर बढ़ते हैं कि और कौन कौन से रिकॉर्ड यहां पर बने हैं तो सबसे बड़े टारगेट का पीछा करते हुए यहां पर ये पारी खेली मैक्सवेल ने 201 रनों की पारी। से पहले फखर जमान ने भी खेली थी 193 रनों की पारी जहां पर वो रन आउट हो गए थे। इसके अलावा वॉटसन 185 रनों की पारी इन्होंने खेली थी। और फिर अगर आप देखें तो एमएस धोनी के नाम 183 रनों की पारी दर्ज थी। और अगर आप देखें रिकॉर्ड की तो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में भी अगर आप देखें तो मैक्सवेल यहां पर इस लिस्ट में भी आ चुके हैं। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल नंबर 1 पर है, 49 छक्के उनके नाम है। रोहित शर्मा के नाम 45 सिक्स है। और फिर अगर आप देखें मैक्सवेल के नाम 43 और डिविलियर्स 37 और फिर डेविड वार्नर के नाम भी 37 है। यानी कि उम्मीद करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ दें, लेकिन शानदार पारी के बाद मैक्सवेल को ओडीआई इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड चाहता है। बाकी क्या भी आप भी मानते हैं कि ये जो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है ये वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पारी है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।